हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमित सर, योर अकाउंटेंसी टीचर। आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग हार्ड एट होम। नाउ थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिमेनिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टुडेज क्लास विद अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, which says that we must measure our performance after a fixed interval. Now question arises, why? जैसा कि आपको मैंने starting में बताया था, there is one assumption which is going concern assumption, which says हमने अगर business start किया, हमारी कोई intention नहीं है कि future में हम उसे बंद करेंगे। It means whenever a businessman starts business, there is no intention from his side to discontinue its operation significantly. Now, still we need to measure the performance. फिर भी हमें उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। एंड अ फिक्स इंटरवेल इज डिसाइडेड बाई एवरी बिजनेस हाउस आफ्टर विच दे विल मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस। इट मीन्स अ फिक्स इंटरवेल इज डिसाइडेड बाई ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर विच दे विल मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस एंड दैट पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। After that period, we will prepare our financial statement and see whether our business is doing good, then we will continue it. Otherwise, we will discontinue it. Now, according to this principle, we can say the life of an enterprise is broken into smaller period so that its performance is measured at regular interval. And that regular interval generally termed as a period of 12 months. And generally, we close our books on 31st March, that is the end of financial year. So we can say accounting period ने पूरे business की life को छोटे छोटे periods में divide कर दिया। जो period है वो fix है, वो period को 12 month के period में fix किया गया है। And उन period का beginning generally होता है 1st April of every year and 31st March of succeeding year. That concept is known as accounting period concept. इसी पीरियड के बाद में या एंड में हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है और शो करना होता है इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, विच सेज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। इट मीन्स जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं उसमें हर चीज को डिस्क्लोज करना जरूरी है। वी मस्ट रिप्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इट मस्ट शो ट्रांसपेरेंसी एंड दैट ट्रांसपेरेंसी कैन बी अचीव इफ दे डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो देर आर सो मेनी यूजर्स, दोज आर यूजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उन्हीं के बिहाफ पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। इंटरनल यूजर्स को तो सब पता है, दे न्यू एवरीथिंग व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट सम एक्सटर्नल यूजर्स आर आल्सो यूजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसी के बिलीफ पे वो डिसीजन लेते हैं। अगर उसमें कुछ हिडन फैक्ट होगा तो एक्सटर्नल यूजर को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रस्ट हट जाएगा, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। फॉर क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट, फॉर मेंटेनिंग दैट ट्रस्ट, योर financial statement must be prepared in a true and fair manner. All material and relevant information must be disclosed in the financial statements. That's why जब भी हम किसी भी concept को, किसी भी assumption को vary करते हैं, change करते हैं, तो हमें footnote देना जरूरी हो जाता है। Like मैं आपको एक example दूंगा, अगर कोई company अपना depreciation का rate 20% से 25% कर रही है, इट मीन्स दे आर डूइंग वायलेशन ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बट ड्यू टू सम लीगल फॉर्मेलिटी और लीगल प्रोविजन के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा, तो उन्हें उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा व्हाई दे आर चेंजिंग सच चेंज, मेकिंग सच चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल दे हैव टू मेंशन दैट थिंग एट द फुट नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Finally, the last and one of the most important accounting concept, that is relevance or objectivity concept. It's that accounting information which is represented
by any business organization should be prepared to meet the objective of all its users. It means जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएं वो सभी यूजर्स की नीड को फुलफिल करें. वो यूजर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी. इट ऑल्सो सेज दैट द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलिवेंट एंड विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द यूजर्स, जो सभी की जरूरत को पूरा कर सके. यू मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ मैनर जो सभी यूजर्स को समझ में आ सके. That's why objectivity principle considered as one of the most important principle. इसी की वजह से external user के objectives भी financial accounting की मदद से fulfill हो जाते हैं. Now with that, I'm going to close this chapter for the time being. Goodbye. And in next class we will start doing revision. And before leaving this page, again I just want to request you all to please like and share my channel. Thank you.